कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है। विवाद और कांग्रेस पार्टी का संबंध अब इस देश में नया नहीं है। लोकसभा चुनाव की अभी शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फिर से फंस गई है। विवादों की सीरीज में एक नया विवाद जुड़ा कांग्रेस के घोषणा पत्र से। कहते हैं सियासत में बहुत कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि आपके खिलाफ माहौल बनता कैसे है और उस माहौल को तोड़कर आप खुद को सही साबित कैसे करते हैं। अब कांग्रेस इस बात को जानती है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पार्टी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो लोकसभा चुनाव में हार की गारंटी जरूर है। इस पूरी कहानी को तफसील से जानिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, नाम रखा गया न्याय पत्र, लेकिन इसके सामने आते ही वही हुआ जो होता है। हुआ ये कि बीजेपी ने कांग्रेस के इस पत्र से एक बात को लेकर उड़ गई, और उड़ी तो ऐसे कि कांग्रेस का खेल ही खराब करने में जुट गई। सबसे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने तो अपना सियासी चरित्र ही दिखा दिया। गंभीर आरोपों की फेहरिस्त में बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के वक्त मुस्लिम लीग की थी, और इसे साबित करने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम लीग के साल 1936 के घोषणा पत्र और कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र के तीन बिंदुओं की आपस में तुलना की। मतलब कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो तीन बिंदु हैं उसकी तुलना बीजेपी ने 88 साल पुराने मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर दी है। बीजेपी ने जो तुलना की उसके मुताबिक साल 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा करेगी, वैसे ही कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में साल 2024 में ये कह रही है कि कांग्रेस तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हो। नंबर दो, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, मुस्लिम लीग ने साल 1936 में कहा था, और अब कांग्रेस अपने न्याय पत्र में साल 2024 में कह रही है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे ही तीसरे नंबर पर है कि मुस्लिम लीग ने साल 1936 में कहा कि मुस्लिमों की नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे, और कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में साल 2024 में कह रही है कि हम मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बाकी सारे बीजेपी के बड़े नेता भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। सिर्फ घेर ही नहीं रहे, कांग्रेस को उसकी ही लाइन पर लाकर राजनीतिक फायदे को अपने पाले में करना चाहते हैं। ये तो हुई सियासी बात, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी नई लकीर खींच रही है, क्या उसे फायदा होगा? क्या मुस्लिम वोट फिर से कांग्रेस के पाले में आएगी, या कांग्रेस उन मुस्लिमों को अपनी तरफ खींच पाएगी जिनका वोट 2019 के चुनाव में बीजेपी के पाले में चला गया था? आंकड़े बताते हैं कि उन लोकसभा क्षेत्र में जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, वहां बीजेपी के वोट शेयर बढ़े हैं, और इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषकों ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक कानून से खुश होकर बीजेपी को वोट दे दिया। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को लेकर क्यों घबराई हुई है उसे जानने के लिए इन आंकड़ों को विस्तार से देखिए। उत्तर प्रदेश में 10% से कम मुस्लिम मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी को करीब 35% वोट मिले, जबकि 10-20% वाले मुस्लिम मतदाता वाले निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी को करीब 39.5% वोट मिले। मतलब आंकड़े ये बताते हैं कि जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, बीजेपी को और भी ज्यादा वोट मिले हैं। इसके बाद जो आंकड़े आप सुनेंगे वो और साफ साफ बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस क्यों परेशान है। आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम वोटों का अनुपात जहां 20-40% है, वहां बीजेपी के वोटों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 44% हो गई है। तो अब कांग्रेस के न्यायपत्र और पिछले लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़ों को एक साथ रखकर देखेंगे तो पता चलता कि असल में कांग्रेस की घबराहट और बीजेपी का वार दोनों तरफ से क्यों चल रहा है। मतलब साफ है, कांग्रेस चाहती है किसी भी तरह से उसे मुस्लिमों का वोट मिले, और बीजेपी उसे मुस्लिम लीग से तुलना करके एक तरफ ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस की मंशाएं ठीक नहीं, और दूसरी तरफ अपने वोटरों को अपने पाले में रखना चाहती है।